मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे तेरे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आधिया हमेशा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, तू पाएगा अपनी मंजिल, बस तू जरा कोशिश तो कर। माय डियर फ्रेंड, सौरभ शुक्ला स्टैंडिंग फॉर यू, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। देश भर में बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिल चुका है। आज मैं बात करने आया हूँ उन सभी लोगों के लिए जो आज परेशान है, जिनका जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, जो मुश्किलों से गुजर रहे हैं, जिनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं जहां से उनकी हिम्मत टूट गई है। माय डियर फ्रेंड, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हारना एक अलग बात है लेकिन हार मान जाना एक अलग बात है। एक साहसी इंसान, एक विजेता इंसान चाहे कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो जाए, हार नहीं मानता है। माय डियर फ्रेंड, आज परिस्थितियां विपरीत हैं तो कल आप उनको सही भी कर सकते हैं। आप सबको पता है कि जब अमेरिका ने जापान के ऊपर हमला किया था 6 अगस्त 1945 के दिन, न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला किया था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे। अकेले हिरोशिमा में 1 लाख के लगभग लोग मारे गए थे, जिसका असर आज भी दिखता है। माय डियर फ्रेंड, उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, उनकी पूरी जमीन खराब हो गई थी, पूरी सॉइल खराब हो चुकी थी, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता था। माय डियर फ्रेंड, उस वक्त उन लोगों के पास 2 ऑप्शन थे, या तो उसका शोक मना लेते या फिर कुछ नया कर लेते। उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई गई, सब ने डिसाइड किया कि हम मेहनत करेंगे, इससे लड़ेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और एक सपना लिया कि अमेरिका जैसे देश में भी मेड इन जापान हम चलाएंगे। आपको अंदाजा होगा कि जो देश पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, जिसमें इतनी सारी आपदा हो चुकी थी, इतने सारे लोग मारे गए थे, धन की भी हानि हुई थी, वही देश 20 साल बाद, महज 20 साल बाद 1964 में ओलंपिक होस्ट कर रहा था और जापान एक डेवलप्ड नेशन बन चुका था। क्यों हुआ ऐसा? देयर वॉज ओनली वन रीजन, That was the attitude. Yes, my dear friend. सिर्फ attitude ही होता है जो सारे difference create करता है। मुश्किलें आज हैं, कल चली जाएंगी, लेकिन attitude सही रहना जरूरी है। Attitude यदि सकारात्मक है तो चीजें सकारात्मक अपने आप हो जाएंगी। यदि जापान कर सकता है, एक बड़े देश के तौर पर उपलब्धि हासिल कर सकता है, तो हम सब कुछ बड़ा तो कर ही सकते हैं हिंदुस्तान में रह के। सारा खेल एटीट्यूड का है। एक बार क्या हुआ, थॉमस एल्वा एडिशन की लैब में आग लग गई। थॉमस एल्वा एडिशन को पता चला, वो भागे भागे अपने लैब की ओर गए, पीछे पीछे उनकी वाइफ भी दौड़ते हुए आ गई और दुखी मन से बोली थॉमस एल्वा एडिशन से, ये क्या हुआ, ये तो आपकी लैब ही जलकर खाक हो गई। तो थॉमस एल्वा एडिशन जी निराश नहीं हुए, उन्होंने अपनी वाइफ को रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, ये जो आग लगी है इसमें मेरी कुछ गलतियां भी रही थी और ये गलतियां जलकर खाक हो गई हैं, अब मैं फिर से लैब बनाऊंगा और उसमें गलतियों की गुंजाइश नहीं रखूंगा। यस माय डियर फ्रेंड, इट्स ऑल योर एटीट्यूड कि आप चीजों को कैसे लेते हैं। यदि सकारात्मक वे में लेते हैं तो जीवन आपका बदल जाता है, नकारात्मक वे पे लेते हैं तो जीवन आपका खत्म हो जाता है। इसलिए सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक डिसीजन लीजिए अपनी जिंदगी के अंदर। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवान को जलना सिखाती है। लगती है ठोकर तो होती है तकलीफ, लेकिन ठोकरी माय डियर फ्रेंड लोगों को चलना सिखाती है। ठोकरों से घबराइए मत, लड़िए, क्योंकि जिंदगी में ठोकर खा के इंसान ठाकुर बनता है। जीवन में कामयाबी चाहिए तो ठोकरों का सामना करिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।